आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पकोड़े, और ये थोड़े मैंने अलग तरीके से बनाए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे बरसात के मौसम में तो सभी घरों में पकौड़ियाँ बनती हैं, तो आप इस तरीके की पकौड़ी भी ज़रूर बनाइए और खाइए और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगी बॉइल्ड आलू। तो देखिए इस तरीके से मैंने इतने सारे बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, और एक तरीके से आप इसे और कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉयल्ड आलू लिए हैं, आप इसे कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका भी यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज भी स्लाइसेस हो जाते हैं और आलू भी कद्दूकस किया हुआ, इनकी भी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पर बॉयल्ड आलू लिए हैं और इनकी भी बहुत अच्छी सी पकौड़ी जो है बनती है। तो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं स्लाइसेस की हुई प्याज, और इसमें बाइंडिंग के लिए हम डाल देंगे बेसन। क्वांटिटी आप अपनी अकॉर्डिंग रखिएगा, आपने कितने आलू लिए हैं कितने प्याज लिए हैं उस तरीके से आप रखिएगा। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन का लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, कस्तूरी मेथी, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई, और तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली थी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें इसमें डाली थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली। और ये मैंने कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया है, और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम बॉयल्ड आलू लेते हैं तो पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा पानी इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून के लगभग। बस इस तरीके से मैंने इनको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और पानी इसमें जाता भी नहीं है वैसे। तो फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा लिया है कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है ऑयल। और इसको अच्छे से गर्म हो जाने पर, ना तो हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अभी हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ी पोकर इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। देखिए आप देख ही रही है, मैंने पूरी तरीके से कढ़ाई को भर दिया है। और अभी हल्के हाथ से इसको टच नहीं करना है, 5-10 मिनट के बाद इसको टच करना है, जब हमें लगे कि ये थोड़ी पक गई है। अगर आप इसे टच करोगे ना तो ये बैटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये सारी बिखर जाएंगी। इनको थोड़ा सीख जाने दीजिए, उसके बाद इनको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हिलाइएगा। और फिर ये देखिए बन के हो गई है तैयार, और मैंने निकाल लिया इनको टिश्यू पेपर पे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।